Hello everyone, good morning. I hope you all are feeling fine and healthy. Stay home, stay safe. Today's subject English. Today's topic 24 letter D. हमने कौन कौन से letter learn कर लिए हैं? Capital A, capital B, capital C and capital D learn कर लिया है. आज कौन सा D learn करने वाले हैं? Small D. तो small D के object क्या है? क्या होता है? डोंकी. क्या है बच्चों? डोंकी. डी फॉर डोंकी. डी फॉर डक. डी फॉर डियर. डी फॉर डाइस. तो चलो अब आपको नोटबुक्स निकालनी है. टॉपिक 24 लेटर डी. लेकिन कौन सा डी है? स्मॉल डी. आई होप आपको कैपिटल डी अच्छे से आ गया होगा. तो आज हम स्मॉल डी की राइटिंग करेंगे. तो चलो सबसे पहले ट्रेस कर लो फोर टाइम. मैंने यहाँ पे ट्रेस इट लिखा है. सी डॉट डब्ल्यू एंड टुडे डेट मेंशन कर देनी है. तो स्मॉल डी कैसे बनाना है? फर्स्ट हैव टू राइट स्टैंडिंग लाइन एंड सेकंड हैव टू राइट कर्व. तो क्या बन गया? डी फॉर डॉग. डी फॉर डोंकी. स्टैंडिंग फिर यहाँ से ऐसे कर्व. तो क्या बन गया? स्मॉल डी. तो आपको ऐसे फोर टाइम बड़ा सा डी बना के प्रैक्टिस करनी है. तो चलो अब आपको इंग्लिश की बुक्स निकालनी है. 24 लेटर डी. फर्स्ट हैव टू राइट सी डॉट डब्ल्यू एंड मेंशन डेट. तो चलो यहाँ पे क्या करना है? ट्रेस एंड राइट द लेटर डी. उससे पहले हम डी फोर क्या होता है वो देख लेते हैं. डी फोर डियर. डी फोर डैश. जहाँ पे बैठ के आप होमवर्क करते हो ना, आपके घर पे भी ऐसी डेस्क है, स्कूल पे आते हो तो स्कूल पे होती है. फिर यहाँ पे डॉक्टर. आप बीमार पड़ते हो तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास. फिर यहाँ पे डी फॉर डोंकी एंड डी फॉर डस्टबिन. गार्बेज को कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में. इधर उधर फेंकना नहीं है, डस्टबिन में का डस्टबिन का ही यूज करना है. तो चलो यहाँ पे स्मॉल डी का ट्रेस करना है अच्छे से. स्टैंडिंग लाइन फिर यहाँ से कर्व. रेड टू ब्लू में स्टैंडिंग लाइन बनानी है और यहाँ पे ऐसे कर्व बना देना है. तो क्या हो गया बच्चों? डी फोर डॉग. डी फोर डियर. डी फोर डोंकी. आप कोई भी बोल सकते हो. तो चलो यहाँ